अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको रोज़ ब्रेड बनाने का तरीका बताऊंगी, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और इसको लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं रोज़ ब्रेड के लिए आपको किन अज्ज़ा की ज़रूरत होगी। रोज़ ब्रेड के लिए आपको डो की ज़रूरत पड़ेगी, तो डो के लिए मैं आपको क्विक रिव्यू दिखाती हूँ कि डो कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको डो तैयार करने के लिए जो अज्जा है वो बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले, क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं आटा ज़रा ज़्यादा गूंद रही हूँ। मैंने 8 कप मैदा लिया है। मैदे को आपने छान के इस तरह जो है किसी बड़े बर्तन में ले लेना। उसके बाद इसमें हम 1 अदद अंडा इस्तेमाल करेंगे, 2 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून है मैंने नमक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यीस्ट के लिए हैं, और ये इंस्टेंट यीस्ट है, इसको हमें पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने चीनी जो है 4 बड़े चम्मच लिए हैं। उसके बाद तकरीबन 1/2 कप जो है ये मैंने ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें। उसके बाद इसको आपने लूक वार्म वाटर के साथ गूंदना है, तो ये मैंने पानी जो है हल्का गर्म साथ रख लिया है पहले ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको गूंदेंगे कैसे। सबसे पहले जो है हम आटे में खुश्क अज्जा डाल लेंगे, नमक, यीस्ट, चीनी आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे कि ये आटा जो है ये फूल जाए तब तक ये बिल्कुल बीच में मेल्ट हो जाएगी, और आजकल वैसे भी गर्मी है। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे आप। इस जगह पे हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे, और इसी जगह पे हम इसमें, मैंने अंडा तोड़ के तो फेंक लिया, इस तरह आप अंडा भी ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद बढ़ा दिया, मुझे लग रहा था ऑयल कम है तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और बढ़ाया है, आपकी मर्ज़ी है, देख लीजिएगा, क्योंकि ये नरमी जो है ये ऑयल से ही आएगी आटे में। अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे। इसको आपने आराम से गूंदना है, और ताकि जो है ना इसमें लम्स ना बने। ये देखेंगे आटा गूंद गया, आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि ये पतला हो गया है। जैसे ही ये फूलना शुरू होगा यीस्ट से, ये यीस्ट सबको सब कुछ इकट्ठा करके और इसको बड़ी ज़बरदस्त सी एक टेक्सचर दे देगा। तो आजकल गर्मी है तो मैं इसको 30 से 45 मिनट्स के लिए रखूँगी, मगर अगर सर्दियाँ हो तो आप 2 से 2.5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन गर्म जगह पे रखना है आपने इसको। तो इसको मैं अभी क्लिंग रैप लगाऊंगी ऊपर से, और इसको मैं किसी गर्म जगह पे रख दूंगी जहाँ पे ये जल्दी से राइज हो जाए। और एक आपने ख्याल करना है, जिस बर्तन में आप इसको राइज होने के लिए रखें वो बर्तन एक तो इसके डबल साइज़ का हो, और दूसरा उसके नीचे आपने ऑयलिंग करके इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना, ताकि आटा जो जब फूलता है तो ये फट जाता है फिर, तो ऑयल से इसको ये प्रोटेक्शन होती है कि ये फटता नहीं है फिर और बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया पहले अच्छी तरह। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखिए अब मैं इसको किसी कपड़े से ढांप के रख दूंगी या क्लिंग रैप लगा दूंगी इसके ऊपर, और इसको गर्म जगह पर 1/2 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखें ये डो मैं ले आई हूँ, इसको तकरीबन आप कह लें मैंने 45 मिनट्स रखा है, और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से वो फूल गई है। इसके बाद आपको चिकन की फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी क्विक रिव्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाएंगे। अब हम इसकी फिलिंग के लिए जो अज्जा चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, ये चिकन 1/2 किलो का बॉईल करके मैंने हड्डी समेत, और मैंने इसके रेशे कर लिए बाद में,
ये देखें आपने उतार के इसके रेशे कर लेने हैं। उसके बाद आपको प्याज चाहिए होगी, मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। हम लोग घर अच्छा सबको पसंद है प्याज अच्छा लगते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिए। इसके बाद आपने नमक जो है वो हस्बे जायका है, मैंने यहाँ पे टीस्पून लिया है 1। उसके बाद मैदा इस्तेमाल होगा इसमें, वो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, ये हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आधा चम्मच लिया है। उसके बाद काली मिर्च जो है ये भी आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, मैं अभी चक के फिर डालूंगी इसको, पर आधा चम्मच ठीक रहता है इसका भी। उसके बाद मैंने हरी मिर्च ली है, ये मैंने 3 बड़ी हरी मिर्च ली है, इनको बारीक बारीक काट लिया ऐसे। उसके बाद आपने इसके अंदर हम धनिया भी डालेंगे, तो धनिया जो है आप देख लें इतना सा आप ले लें काफ़ी होगा। उसके बाद दूध का 1 कप जाएगा इसके अंदर, लेकिन अब देखेंगे जो मटेरियल बनाएंगे अगर ज़्यादा दूध चाहिए होगा तो हम आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फिलिंग कैसे तैयार करेंगे। अभी कढ़ाई आपने चूल्हे पे रख लेनी है गर्म होने के लिए। इसमें हम तेल इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसको आपने सॉटे कर लेना अच्छी तरह से, हम इसको ब्राउन नहीं होने देंगे, बस हल्का सा जब रंग थोड़ा सा तब्दील होगा तो इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। अब ये देखिए प्याज हल्का हल्का आपका जो ट्रांसलूसेंट सा इसने कलर देना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे अपना चिकन डाल लेंगे और साथ ही हम इसके नमक भी ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल लेंगे, हरी मिर्च भी डाल लेंगे। अब थोड़ी सी देर हम इसको ऐसे पकाएंगे। अब हम इसमें अपना मैदा ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूध डाल लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा खुश्क लग रहा है तो मैंने आधा कप और दूध डाला है, आप देख लीजिएगा जितना आपको लगे थोड़ा सा अगर खुश्क तो आप थोड़ा सा और डाल लें बेशक। अब हम यहाँ पे इसमें धनिया ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे करके, इसके ऊपर से धनिया जो है हम देखें ताकि ये। ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाली है। यहाँ पे आप इसका ट्राई करके टेस्ट, तो फिर आप अपनी काली मिर्च ऐड कर लें जितनी आपको चाहिए, क्योंकि आपने सबक मिर्च भी डाली है, कुटी हुई मिर्च भी डाली है, तो फिर टेस्ट करके आप फिर डाल लें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और फिर ठंडा होने पर हम इसकी फिलिंग जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद हमें कुछ तिल चाहिए होंगे ब्रेड को ऊपर से गार्निश करने के लिए, ये तिल ले लिए हमने, और हमने जो है अंडे की जर्दी इसमें इस्तेमाल होगी तो ये अंडे की जर्दी हमने 1 अंडे की जर्दी ले ली है। अब देखते हैं कि ये रोज ब्रेड कैसे बनाएंगे हम। ये देखें डो को हम सबसे पहले निकाल लेंगे, सरफेस के ऊपर आपने अच्छी तरह मैदा जो है वो डाल लेना है। देखो डो को मैंने निकाल लिया बाहर, हमने इतनी डो नहीं यूज़ करनी तो हम आधी इसमें से ले लेते हैं आधी के साथ। डो हमारी ठीक हो गई है, अब हम इससे छोटे छोटे से जो है पेड़े बनाना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
ये हम इसके, अब ये देखिए मैंने इसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। ये हम पहले तार के रख लेंगे, फिर हम इसको गोल कर लेंगे, क्योंकि इस तरह फिर हमें ये हिसाब पता चल जाएगा। ये देखिए हम इसके पेड़े जो हैं अब ये गोल करके रखते जा रहे हैं, फिर हम इसको बेल लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी फिलिंग कैसे करनी है और इसकी लुक कैसी बनेगी। या आपने ट्रे ले लेनी है, इसको ग्रीस कर लेना, जिसमें आपने इसको ओवन में हीट अप करना है। ये ट्रे ले ली है मैंने, अब मैं इसमें जैसे जैसे बनते जाएंगे हम इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए आपने पेड़ा बना लिए, अब हम इसको बेल लेंगे। गोल होगी, इसके बाद इसको आपने कट लगाना है। आपने गिन लेना है, ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसको अच्छी तरह कट लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब हम इसमें ये मटेरियल जो मैंने आपको चिकन का बैटर बनाना सिखाया था, ये आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसको पानी लगाएंगे साइडों पे। ये देखिए मैं पानी लगा रही हूँ। उसके बाद आपने ऐसे उठा के ऐसे बनाना है, ये देखिए ये उठा के ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये फ्लावर की एक लुक बनना शुरू हो जाएगी। ये उठा के आपने ऐसे लगा देना है, उसके बाद आपने ये वाली साइड लगा देनी है ऐसे। ज़रा ज़रा आप उसका जो ऊपर वाली है उसको ज़रा बाहर निकालेंगे, जैसे फ्लावर्स का होती है लुक वैसी देनी है आपने। ये देखिए और ये देखिए जी फ्लावर, ठीक है। ये बन गई है, मैं आपको अगली बना के भी दिखाती हूँ। इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, ये देखिए। अब ये आपने इसके ऊपर ये रख के, ये देखें ये हमने पानी लगा लेना है। ये देखें आपने ऐसे, फिर आपने ये लगा लेना है। ऐसे फिर आपने ये लगा लेना है। ऐसे फिर आपने ये वाला जो है ये लगा लेना है। अब ये देखें ये मैं ट्रे पे रख रही हूँ। ये देखें ये देखें ये मैंने सारी ब्रेड बना ली है। अब मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास मैंने कपड़े का एक क्लॉथ का पीस ले लिया, इसके ऊपर ये लगाऊंगी अब मैं एग इस तरह से। इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा, एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा इस पर। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे इस तरह सारे लगा के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने लगा दिए, अब इसके ऊपर मैं तिल जो है वो लगा देती हूँ। अब मैं आपको हल्का सा टच इसमें चीज़ का भी दिखाऊंगी, पर वो जब ये हल्के से बेक हो रहे होंगे ना, फिर हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे तो वो बड़ी मज़े की लुक देगी इसकी। ये अब रेडी है बिल्कुल ओवन में जाने के लिए।
मैंने अपनी छोटी भांजी का भी ये रख देती हूँ, ये उसने बनाया है खड़े होके, तो ये मैंने ये भी रख दिया। अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। ये देखिए ओवन मैंने हीट कर लिया है 200 सेल्सियस पे। 200 सेल्सियस पे मैंने गर्म किया है, और हीट जो है ये मैं अभी ऊपर से दूंगी इसको। ये ऊपर से लगाई हीट मैंने, और 20 मिनट्स के लिए पहले हीट देंगे और फिर हम देखेंगे कि कितना पका है। ये अंदर जा रही है, ये अब हमने बंद कर। मैं इसके अंदर अब क्विकली जो है ये देखें मैं चीज़ डालूंगी, मेरे पास कटी चीज़ पड़ी हुई है, मैं अब थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल दूंगी। हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, आप ये रिस्क ना लीजिएगा, पहले ही बेशक डाल के रख दें। ये देखें मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ इसके अंदर डाल देती हूँ, ये जब ऊज आउट होगी तो बहुत यमी लुक करेगी और मज़े की लगेगी। ये बस ये आखिरी रह गया, अब ये इसको होने देंगे हम। ये अब बिल्कुल तैयार है, जबरदस्त कलर आया, और चीज देखिए कैसे ऊज आउट हो रही है माशाल्लाह। ये देखें अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ब्रश नहीं है इसलिए मैंने कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ। चीज देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। ये देखें ये मेरे पास बटर आ गया, मुझे पता नहीं था मौजूद था, तो अब हम बटर जो है ये ऐसे ही लगा लेते हैं। ये देखें बटर खुद ही पिघल जाएगा, और माशाल्लाह कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और चीज़ का जो टच है वो तो ज़बरदस्त लग रहा है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि चीज़ जो है, ये मैं कपड़ा ही इस्तेमाल करती क्योंकि मेरी फिंगर के साथ ना वो इतना अच्छा बैठ नहीं रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आगे बनाऊं, और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, और बच्चे तो इसके फ़ैन हैं क्योंकि शक्ल देख के बच्चे जो हैं वो तो यू नो खा नहीं रहे होते, पी नहीं रहे होते, तो खुश हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, जल्द ही हाजिर होंगे एक नई डिश के साथ। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।